भाई चांदनी चौक के क्या कहने, 1650 से चलती चली आ रही है ये मार्केट और आज भी इंडिया की बेस्ट होलसेल मार्केट्स में से एक है। भागीरथी प्लेस के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, मेन फतेहपुरी, फतेहपुरी की ऑप्टिकल्स मार्केट, नई सड़क, खरी बावली की ड्राई फ्रूट्स मार्केट, पराठे वाली गली, न्यू लाजपत राय की क्लॉक मार्केट, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, दिगंबर लाल जैन मंदिर, श्री गौरी शंकर मंदिर और भी बहुत कुछ इस पूरे वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिए। रिसेंटली 2021 के रिनोवेशन के बाद चांदनी चौक में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। पहले के मुकाबले ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी कम हो चुका है और पूरे चांदनी चौक का मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर हो चुका है। यहाँ पहुँचने के लिए आप मेट्रो ले सकते हैं। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन और लाल किला मेट्रो स्टेशन है, जो यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। अगर आप दूर से आ रहे हैं तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी आपको चांदनी चौक से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मिलता है। नई दिल्ली या निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो आप वहाँ से डायरेक्ट मेट्रो भी ले सकते हैं। अगर आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर से आ रहे हैं तो आपको लाल किले के नज़दीक चिड़िया मार्केट के बगल में डेडिकेटेड पेड पार्किंग भी मिलती है। स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ आपको चांदनी चौक का मैप। बेस्ट है कि आप लाल किले से चांदनी चौक में एंटर कीजिए, जिससे आप चांदनी चौक के पूरे मार्केट को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। आइए अब मेन फतेहपुरी से शुरू करते हैं। चांदनी चौक एक व्हीकल फ्री जोन है, टू व्हीलर या फोर व्हीलर आप चांदनी चौक में अंदर नहीं ला पाएंगे। सामने आप फतेहपुरी मस्जिद की एंट्रेंस देख रहे हो। फतेहपुरी मस्जिद शाहजहां की फतेहपुरी बेगम ने 1650 से बनवाया था। ये भी ध्यान दीजिए कि शाहजहां की कुल 7 बीवियां थी। मेन फतेहपुरी चौक पर आपको घेवर, मिठाइयाँ, लस्सी और खान पान की बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। चांदनी चौक का एक किनारा है लाल किला और दूसरा किनारा है फतेहपुरी। मेन चांदनी चौक यहाँ ख़त्म हो चुका है, इसलिए आपको यहाँ ई रिक्शा, कार, बाइक और दूसरे मोटराइज व्हीकल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ लेफ्ट में होटल है जहाँ से गेस्ट उतर करके आ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा ऑप्टिकल्स का होलसेल मार्केट है। एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट होलसेल ऑप्टिकल्स मार्केट कंसिडर किया जाता है। पूरे में आपको ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा, हाथ गाड़ी, ठेला गाड़ी और दूसरे लगेज कैरियर आपको देखने को मिलेंगे। पूरे मार्केट में होलसेल का काम है और बड़े बड़े पैकेजेस यहाँ से दिल्ली, इंडिया के दूसरे हिस्से और पूरे एशिया में सप्लाई किए जाते हैं। इस मार्केट का एक कम्प्लीट ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। ये पूरी ऑप्टिकल शॉप्स की गली है और अगर आप ध्यान देंगे तो हर शॉप के बाहर पैकेज शिपमेंट्स तैयार करके रखे गए हैं, जो पूरी दिल्ली, इंडिया और वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा डेंस और बहुत पुरानी मार्केट होने की वजह से कोई भी खुदाई से रिलेटेड काम हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से सारी वायरिंग्स ऊपर से डाल करके दी गई है। ये देखिए, मोटराइज व्हीकल अगर आप चांदनी चौक में ले जाते हैं तो 20,000 रुपये की पेनल्टी भी है। हम इस समय ऑप्टिकल्स मार्केट से लौटकर वापस फतेहपुरी मस्जिद के गेट तक पहुंच चुके हैं और यहां पूरे में सिर्फ ई रिक्शा का ही ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। इस समय मैं खरी बावली ड्राई फ्रूट्स मार्केट की तरफ बढ़ रहा हूं, जो कि फतेहपुरी मस्जिद से दाहिनी तरफ है। ये देखो, फतेहपुरी मस्जिद का गेट है, बहुत ही पुराना है, 1650 से बना हुआ है। मस्जिद की दीवार से लग के है छेनाराम हलवाई की दुकान। दुकान के बाहर की आप भीड़ देख लीजिए। साथ में ये भी गौर कीजिए कि G20 पूरे भारत के लिए कितने गर्व की बात रही है कि शॉप्स ने भी अपनी होर्डिंग्स में G20 के लोगों को इंक्लूड किया हुआ है। वासुदेव कुटुंबकम। यहाँ से आगे है पूरी ड्राई फ्रूट्स की मार्केट और यहाँ आपको डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड हर तरीके के ड्राई फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। मार्केट बहुत ही लंबी है और ड्राई फ्रूट्स के प्राइसेस आपको बहुत ही कॉम्पिटिटिव मिलेंगे। खरी बावली की दुकानों ने काफ़ी प्रोग्रेस किए। आज के समय में यहाँ की दुकानें टेलीकॉलिंग भी करती हैं। टेलीकॉलिंग का मतलब है कि आपको फ़ोन करते हैं और आपसे पूछते हैं कि अगर आपको ड्राई फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको ड्राई फ्रूट्स आपके घर तक शिप किए जाते हैं, और वो भी कैश ऑन डिलीवरी के साथ। मतलब ड्राई फ्रूट्स जब आपके घर पहुँच जाएंगे, आप देख लेंगे कि एक्चुअल में ड्राई फ्रूट्स पहुँचे हैं, उसके बाद ही आप पेमेंट कर सकते हैं।
बट टेली कॉलिंग के जरिए फ्रॉड भी बहुत होते हैं। अगर आप खरे बावले के किसी ड्राई फ्रूट की दुकान से कॉल आता है तो आप प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि ये कॉल वेरीफाइड है या नहीं है। शादियों में ड्राई फ्रूट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है और शादियों के सीज़न में ड्राई फ्रूट्स की परचेसिंग के लिए इससे बेहतर जगह आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मार्केट 1650 से है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारी दुकानों के नाम आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जगहों के नाम पर भी मिलेंगे। शायद आपने गौर ना किया हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस जगह का जो पिन कोड है वो पड़ता है 110006 और इस पूरे चांदनी चौक के इलाके को दिल्ली 6 नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली 6 नाम से अभिषेक बच्चन की एक मूवी भी है, अगर आप लोगों ने देखी हो तो आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली 6 एरिया में अंदर अंदर कैसा माहौल है। ये खरी बावली रोड है जो पूरी आगे की तरफ जा रही है और इसी रोड पे आगे की तरफ जा करके आपको सदर बाजार भी मिलेगी। चौक पे आंटी की फूल की दुकान है, ये मुझे पहाड़ी भांग जैसी लग रही है जो शिव जी के ऊपर चढ़ती है। कमेंट से बताइए अगर मैंने सही समझा है तो। इस जगह की खास बात है कि यहाँ बहुत अलग अलग वैरायटी के इम्पोर्टेड फूड्स बहुत सस्ते सस्ते रेट्स में देखने को मिलेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ चाचा बेच रहे हैं कीवी और चकोतरा नींबू। कीवी आज के समय में आपको हर जगह देखने को मिलता है, बट चकोतरा नींबू कुछ ही जगहों पे देखने को मिल रहा है। आज ऑनलाइन चकोतरा नींबू आपको 150 या 160 पर पीस के हिसाब से मिलता है, बट हमने यहाँ पे खरीदा 80 रुपये का। आगे की तरफ भी बहुत सारी दुकानें हैं और बहुत अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स हैं और सारे फ्रूट्स के रेट्स बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं। दोस्तों, पूरे एरिया को मैंने डिटेल में कैप्चर करने की कोशिश की है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं इस तरीके की और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। पहले ड्रैगन फ्रूट भी बहुत मुश्किलों में दिखाई देते थे, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्शन जब से इम्प्रूव हुआ है तब से ड्रैगन फ्रूट दिल्ली NCR में तो एटलीस्ट 60 रुपीज़ से लेकर के 120 रुपीज़ तक ईजिली अवेलेबल हो जाता है। यहाँ गौर कीजिए, मेवा मार्ट, चर्च मिशन रोड, फतेहपुरी, दिल्ली 6। गलियों में अंदर अंदर की तरफ भी बहुत सारे फलों और मिठाइयों की दुकानें हैं और इन दुकानों ने अपना रेट कार्ड बाहर की तरफ के पिलर्स पे लगाया हुआ है। पूरे में रिक्शा का ट्रैफिक जाम लग चुका है, हमारे दोनों भाई थम्सअप दे रहे हैं। इसी तरीके के पॉजिटिव एनवायरमेंट की हमारे पूरे देश को ज़रूरत है। ये है हरियाणा पनीर भंडार। दिल्ली NCR की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि मिल्क की सप्लाई को पूरा करने के लिए दिल्ली के एडजेसेंट स्टेट्स हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन सारे स्टेट से मिल्क की सप्लाई मंगाई जाती है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं नई सड़क जहां लगती है इंडिया की फेमस बुक मार्केट। बट अनफॉर्चुनेटली आज संडे है और संडे के दिन बुक मार्केट क्लोज रहती है। नई सड़क की खास बात यह है कि जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो लाहौर से बहुत सारे बुक पब्लिशिंग हाउसेस और बुक सेलर्स पाकिस्तान से उठकर इंडिया आए और नई सड़क पर उन्होंने अपनी शॉप स्थापित करी। इस रोड पर आप सीधे चलते चले जाएंगे तो आप पहुंच जाते हैं चावड़ी बाजार। चावड़ी बाजार से बिल्कुल नज़दीक पर ही आपको मिल जाएगा जामा मस्जिद। इस मार्केट का एक कम्प्लीट ओवरव्यू आप देखिए। मैं कनॉट प्लेस के एड्स आपको जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। अगर आप 3D एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मैक ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से अब लौट कर चलते हैं जिससे कि और मार्केट जैसे कि पराठे वाली गली, लाजपत राय की क्लॉक मार्केट और भागीरथ प्लेस, ये सब मैं आपको दिखा सकूँ। साथ ही दोस्तों, सब्सक्राइब बटन पर भी नज़र डालिए, हो सकता है कि आप सब्सक्राइब बटन दबाना भूल गए हों। इट विल बी द बिगेस्ट इंस्पिरेशन दैट विल मोटिवेट मी टू कीप मेकिंग बेटर क्वालिटी वीडियोज़। सामने है हमारे देश का फ्लैग। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि हम सब हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सामने बहुत छोटे हैं। हम सब हमारी नेशनलिटी से जाने जाते हैं और हमारे देश के गौरव को ऊंचा रखना हम सब का कर्तव्य है। पिछले 10 सालों में हमारी प्रोग्रेस अच्छी खासी रही है। हमने G20 भी होस्ट किया और G20 को सक्सेसफुली डिक्लेयर भी किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2036 के ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए इंडिया की बिड भी डाली है। आप सिर्फ इस बात का अनुमान लगाइए कि अगर 2036 के ओलंपिक्स को इंडिया को अगर होस्ट करना है तो गवर्नमेंट को कितनी तेज़ी से काम करना पड़ेगा और पूरे देश में कितने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। सामने आप देख रहे हैं घंटाघर और हमारा राष्ट्रीय ध्वज। हम सबको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है।
जिससे कि इस तरीके के माइलस्टोन्स को और अचीव किया जा सके। दोस्तों अब हम आ चुके हैं भागीरथ प्लेस बिजली मार्केट यानी दिल्ली 6 की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। भागीरथ प्लेस इंडिया वन ऑफ बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेल मार्केट है। 200 साल से भी पुराने इस मार्केट में रेडी पटरी को छोड़ करके भी 2000 से ज़्यादा दुकानें हैं। राइट साइड में है पब्लिक कन्वीनियंस फैसिलिटी। पब्लिक कन्वीनियंस फैसिलिटीज़ की कमी चांदनी चौक में नहीं है, बट ये जगह चांदनी चौक के हाफ वे पर है, तो आप इस जगह को याद रख सकते हैं। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ बेसिक वायरिंग से लेकर बच्चों के छोटे इलेक्ट्रॉनिक खिलौने से लेकर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स तक का सारा सामान देखने को मिलता है। रेडी पटरी पर भी आपको वो सारा सामान देखने को मिलेगा जो शायद आप दिल्ली के किसी और मार्केट में नहीं देखेंगे। इसी तरीके के मार्केट्स के दम पर इंडिया की बहुत सारी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स रिलाई करती हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर एक मिनी हैंडहेल्ड मसाजर जो आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट 800 से 900 रुपए की रेंज में मिलता है, वो आपको यहाँ 200 रुपए में मिलता है। और ये 200 रुपए जो है वो आस्किंग प्राइस है, जिसमें कोई भी बारगेनिंग नहीं है। अगर आप यहाँ बल्क में सामान उठाते हैं तो बारगेनिंग का काफ़ी अच्छा खासा स्कोप रहता है। इस तरीके के फैंसी आइटम, फैंसी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपको रेडी पटरी पे ही बहुत कुछ मिल जाएगा। उसके लिए आपको दुकान ढूंढते हुए जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। अगर आप भी कुछ ड्रॉप शिपिंग टाइप का प्लान कर रहे हैं तो इस तरीके के मार्केट आपके ड्रीम को पूरी तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। चारों तरफ पैकेज बॉक्सेस रखे हुए हैं जो दिल्ली के और मार्केट्स और देश के कोनों कोनों तक पहुँचाए जाएंगे। इस ख़राब लाइटिंग इफेक्ट के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और चाहूँगा कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं एक ढंग की रिकॉर्डिंग डिवाइस अफोर्ड कर सकूँ। ये मार्केट बहुत बड़ा, बहुत ही इलेबोरेट है और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लवर हैं तो आपके लिए ये मार्केट बिल्कुल पैराडाइज है। ये 100 रुपये की चाइनीज स्टिचिंग मशीन है, ये बच्चा इसका डेमो दे रहा है, गौर कीजिए। ये पंच करते रहे ना अपने हाथ से, ये बाहर आनी चाहिए हमेशा, नहीं जाएगी बाहर आएगी कभी कभी, कपड़े वो खरीदना नहीं है, कुछ नहीं करना है, खुद चलेंगे, बस सहारा देना कपड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको ले चलता हूँ पराठे वाली गली। इस समय हम हैं मेन चांदनी चौक में और पराठे वाली गली की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, NMV ओनली यानी नॉन मोटराइज व्हीकल ओनली फ्रॉम 9 AM to 9 PM। सिर्फ साइकिल रिक्शा और हाथ गाड़ी ही चल सकती है, ई रिक्शा भी अलाउड नहीं है। चांदनी चौक गर्ल्स और लेडीज़ के लिए एक तरीके से पैराडाइज है। गर्ल्स का सामान यहाँ आपको ऑलमोस्ट 1/3 प्राइस में देखने को मिलता है और इतनी वैरायटी भी आपको इजीली और कहीं देखने को नहीं मिलती है। इन बड़े बड़े शिपमेंट्स को हाथ गाड़ी और साइकिल रिक्शा के जरिए चांदनी चौक के दोनों कोनों तक पहुँचाया जाता है और वहाँ ट्रक और दूसरी गाड़ियों में लोड किया जाता है, जिससे दिल्ली के दूसरे मार्केट्स और देश के कोनों कोनों तक पहुँच सके। दोस्तों आ चुके हैं हम चांदनी चौक दिल्ली 6 की फेमस पराठे वाली गली में। चांदनी चौक का मार्केट सन 1650 से है, लेकिन पराठे वाली गली की शुरुआत हुई 1872 में। पंडित गया प्रसाद पराठावाला के नाम पर इस गली को पराठे वाली गली का नाम दिया गया। दोस्तों पराठे वाली गली तक आ चुके हैं, लेकिन सब्सक्राइबर काउंट में अभी भी कोई इजाफा नहीं हुआ है। कृपया करके सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में सर्कुलेट ज़रूर कीजिए। ये देखिए दोस्तों, पंडित गया प्रसाद शिवचरण, बोर्ड पे गौर कीजिए, एस्टैब्लिश्ड 1872, 6th generation, यानी पंडित जी की ये 6th generation है जो पराठे वाली गली में दुकान चला रही है। ऐसी बहुत सारी लीजेंडरी शॉप्स आपको यहाँ मिलेंगी जो पीढ़ी दर पीढ़ी लजीज खाना बना करके कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं। ये देखिए
पंडित बाबूराम देवी दयाल 1889 से पराठे बना रहे हैं। यहाँ पर 100 से 150 साल पुरानी पराठे वाली दुकानें आपको देखने को मिल रही हैं। पराठा इन दुकानों के लिए सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पराठा बनाने वाली विधि इन दुकानों के लिए एक एसेट है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रिजर्व करते चले आए हैं। पराठे वाली गली से अब हम बाहर आ चुके हैं। जगह जगह आपको बोर्ड्स मिलेंगे, CCTV कैमरास, पब्लिक कन्वीनियंसेस, डस्टबिन्स मिलेंगे। दिल्ली के पुराने और मार्केट के तरह यहाँ आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। चलते चलते हम अब आ चुके हैं गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। ये गुरुद्वारा यहाँ 1783 में बनाया गया था। यहाँ मुझे ट्रैफिक एनफोर्समेंट की कमी दिखाई दे रही है क्योंकि नॉन मोटराइज्ड व्हीकल जोन के अंदर मुझे कार देखने को मिल रही है। अगर आप पीछे गौर करेंगे तो एक स्कूटर भी जा रहा है। रोड के दोनों ही साइड हैवी वॉल्यूम ऑफ साइकिल रिक्शा हैं जो कि लीगली यहाँ पर सड़कों पर अलाउड हैं, बट मोटराइज्ड व्हीकल्स आर नॉट अलाउड फ्रॉम 9 AM टू 9 PM। लेकिन फिर भी मोटराइज्ड व्हीकल्स देखने को मिल रही है। शायद इसी वजह से चांदनी चौक के इस रिवैम्पिंग को लेकर के कई न्यूज़ एजेंसीज ने सवाल भी खड़े किए हैं। ऑप्टिमिस्टिक रहते हुए मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ट्रैफिक एनफोर्समेंट मजबूत किया जाएगा जिससे कि ट्रैफिक कंजेशन को और इम्प्रूव किया जा सके और इस तरीके के लूप होल्स को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अब ले चलता हूँ न्यू लाजपत राय की क्लॉक मार्केट में। घड़ियों की ये होलसेल मार्केट बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। गली के एंट्रेंस में बच्चों के खिलौनों की दुकान है जहाँ के रेट्स मुझे काफ़ी सही लगे। दिल्ली के और मार्केट्स के मुकाबले मुझे यहाँ खिलौनों के दाम ऑलमोस्ट 1/3 लगे। घड़ियों के अलावा यहाँ दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे ट्राईपॉड, कैमरा एक्सेसरीज, वेबकैम, माइक और भी सारे आइटम्स की दुकानें देखने को मिल रही हैं। इसी तरीके की कुछ दुकानें आपको भागीरथी प्लेस में भी देखने को मिलती हैं। रिस्ट वॉचेस की मिनिमम प्राइस रेंज जो मैंने पता की वो रही 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक, और अगर आप होलसेल में परचेज करते हैं तो बल्क वॉल्यूम की जो प्राइस है वो और भी नीचे चली जाती है। यही 100 से 200 रुपए की घड़ियाँ जब देश के दूसरे मार्केट्स तक पहुँचती हैं तो यही घड़ियाँ 500 रुपए से लेकर के 1200 रुपए तक बिकती हैं। चांदनी चौक के नज़दीक के ही दूसरे मार्केट्स में इनका रेट 350 से लेकर के 500 रुपए तक देखने को मिलता है। ये देखो, तरह तरह की रिंग लाइट, बैकग्राउंड लाइट, ट्राईपॉड्स, गोरिल्ला ट्राईपॉड्स सब यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे वॉल क्लॉक के डिज़ाइंस बहुत ही अमेजिंग है। ऐसे ही एक वॉल क्लॉक डिज़ाइन की शॉप में मैं आपको लेकर के चलता हूँ, अमित वॉच कंपनी, दिल्ली 6। एंट्रेंस पे ही रॉयल एनफील्ड के डिज़ाइन में बहुत ही बढ़िया वॉल क्लॉक बना हुआ है। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। बाकी सारे डिज़ाइंस भी देखिए, बहुत ही बेहतरीन और मन को खुश कर देने वाले डिज़ाइंस हैं। लार्ज साइज वॉल क्लॉक जब ट्रेड फेयर में आते हैं तो 250,000 रुपये की डिमांड होती है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे डिज़ाइंस की जो एवरेज प्राइसिंग आती है वो 2000 से लेकर के 5000 रुपये के बीच में आती है। लार्ज साइज वॉल क्लॉक जो रॉयल एनफील्ड के डिज़ाइन में मैंने आपको दिखाई वो अवेलेबल है 8000 रुपीज़ में। अच्छी तरह से पैक करके घड़ियों को आपके घर तक भिजवाया जाता है, पैकेजिंग की गारंटी भी ली जाती है और साथ ही साथ डिलीवरी के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं है। दोस्तों, वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करना ना भूलें जिससे कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। क्लॉक मार्केट का एक कंप्लीट ओवरव्यू, कंप्लीट फुटेज आप देखिए। अरे भाई, दुकान के अंदर बैठ करके सिगरेट कौन पीता है? अगर गलती से भी आग लग गई तो पूरा मार्केट झुलस जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखने पर भी आप कर देते हैं, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दें।
दोस्तों अभी भी पूरा क्लॉक मार्केट कवर नहीं हो पाया है, लेकिन अब हम चलते हैं बाहर और मैं आपको ले चलता हूँ ओल्ड लाजपत राय मार्केट में। यह है ओल्ड लाजपत राय मार्केट। लाल किले की तरफ से जब आप चांदनी चौक में एंटर होते हैं तो ये मार्केट आपको सबसे पहले मिलेगी। ये एक मिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। पर्सनली इस मार्केट से मेरा कोई खास लगाव नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले तक यहाँ फ्रॉड का काम बहुत ज़्यादा था। छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस जल्दी से आपके साथ शेयर करता हूँ। लगभग 15 साल पहले मैं यहाँ नोकिया 6600 परचेस करने के लिए आया था। फ़ोन जब मैंने परचेस किया तो वो डमी फ़ोन निकला। मैंने जब कंप्लेन किया तो शॉपकीपर ने मुझे कहा कि इसमें सॉफ्टवेयर पढ़वाना पड़ेगा तभी ऑन होगा। सॉफ्टवेयर पढ़वाने के लिए जब मैं गया तो उन भाई साहब ने फ़ोन को USB से कनेक्ट किया और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलाई। पहले मैंने डमी फ़ोन परचेस करने के लिए पे किया, उसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलाने के लिए भी दोबारा से पे किया। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ, बट मैं कुछ कर नहीं पाया क्योंकि शॉपकीपर्स की यूनियन बनी हुई थी और बिगड़ते हालात को देख करके मुझे वहां से निकल जाना ही सही सौदा लगा। आज का समय होता तो शायद पुलिस कंप्लेंट भी हो सकती थी, लेकिन उस समय इन्हीं दुकानों से पुलिस वाले पैसा कलेक्ट किया करते थे। सामने स्क्रीन के राइट साइड में आप देख रहे हैं श्री गौरी शंकर मंदिर, जो कि 800 साल पुराना है। स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं दिगंबर लाल जैन मंदिर, जो कि 500 साल पुराना है। दोस्तों इसी के साथ चांदनी चौक का ये टूर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की और सारे मार्केट्स को कवर करने की कोशिश की है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, इंस्पायर कीजिए, जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए फ्यूचर में लाता रहूं। इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।